अम्बाला छावनी के विभिन्न वार्डों में बनने जा रही ओपन एयर जिम को लेकर कल हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को 3 सुझाव दिए थे, जिसको लेकर आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वो जनता के नुमाइंदे हैं, आम जनता, पक्ष और विपक्ष के नेता उन्हें सुझाव दे सकते हैं और अगर उनके सुझाव उन्हें अच्छे लगते हैं तो वो उन्हें लागू भी करेंगे। नमस्कार। कल के अखबारों में एक खबर आई हुई थी कि अम्बाला कैंट में हमारे आदरणीय मंत्री अनिल विज जी ने जो है लगभग 24 ओपन जिम्स का एक अनाउंसमेंट किया है कि शहर के अलग अलग पार्क में वो ओपन जिम स्थापित करेंगे। ओपन जिम्स जो हैं अक्सर हम देखते आए हैं पार्क्स में, स्पेशली कैंटोनमेंट से जुड़े हुए पार्क्स में, तो ये आइडिया बहुत नया नहीं है। और आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही औचित्य है और वो ये है कि जो पहले इतने सारे जिम्स खुले हैं उनसे हम कुछ सीख के अपने अगले जिम्स में अगर छोटा सा बदलाव कर लेंगे तो उनकी उपयोगिता, उनकी लाइफ जो है और उनके उनकी जो वैल्यू है वो बहुत लंबी हो जाएगी और दूर तक चलने वाली हो जाएगी। आज हम एक ऐसे ही जिम में खड़े हैं, अभी ये कुछ समय पहले यहाँ पे लगा था और जब लगा था तो बहुत चमक रहा था, खूबसूरत था, हर चीज़ काम करती थी, लेकिन एक इसमें इशू आ गया। ये ओपन जिम जो है, ये जो ऊपर से भी जब ओपन होता है तो ये वेदर को पूरी तरह एक्सपोज होता है, धूप को ले लीजिए, बारिश को ले लीजिए, ओस को ले लीजिए, और अक्सर ये इक्विपमेंट्स जो है माइल्ड स्टील से बनते हैं, एमएस से, जो कि किसी भी तरह से जंग रोधक मटेरियल नहीं है, स्टेनलेस स्टील नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स इसमें मूविंग पार्ट्स हैं, गरारियां हैं, ग्रीस चाहिए होगी, तो वो सारी चीज़ें जब ओपन रहती हैं तो डैमेज हो जाती हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो इन सब इक्विपमेंट्स का बुरा हाल है, कई चीज़ें जैम हो गई, ये नेचुरल है, कोई चीज़ एक्सपोज रहेगी। तो ये जो वेयर एंड टेयर इतना जल्दी इस पैसे में आ जाता है, इसको लेके हमारे 3 सुझाव हैं मंत्री जी को और प्रशासन को, और हमें आशा है कि अगर वो इनसे सहमत होंगे, वो इनको यूज़ करेंगे तो इनसे सभी को फ़ायदा होगा। हमारा पहला सुझाव आपसे है कि ओपन जिम को बाहर से ओपन रखिए, ऊपर से नहीं। जो बजट है, आई डोंट थिंक इस एवरेज पे 2 लाख का बजट पर ओपन जिम आ रहा है, इसमें कुछ वृद्धि करके इसे ऊपर से कैनेपी दे दीजिए ताकि ये एक्सपोज ना रहे, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जबकि एयर सर्कुलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। दूसरा हमारा सुझाव है कि इन्हें इस तरह से ज़मीन पे एक्सपोज मत रखिए, ऑन द सेम लेवल। पानी आता है, कंक्रीट उतर जाता है, ये डैमेज भी होते हैं और लोगों के आने जाने से, जूतों से ये गंदे भी होते हैं, तो थोड़े से एलिवेटेड लेवल पे पक्के फर्श पे इनको रखा जाए। और तीसरा सुझाव हमारा ये है कि इनकी एक AMC बिल्ट इन हो, शायद होगी, अभी हमें आइडिया नहीं है, लेकिन जिस भी मैन्युफैक्चरर से हम ले रहे हैं उसमें एक AMC का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें हम बिल्ट इन करते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे, अगर हमें ये लगता है कि अगर ये सुझाव होंगे तो जो पब्लिक के पैसे से ये जो पब्लिक के लिए सहूलत बनाई जा रही है दूर तक लगेगी। ये हमारी सूझबूझ पे डिपेंड करता है कि हम 2 रुपये को 10 बना दें या 10 रुपये की चीज़ को हम 2 रुपये का बना दें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आज सिर्फ ये है कि एक सकारात्मक सोच को लेते हुए हम आगे चलें, और एक सुझाव है कि ये जो 24 जिम्स आएंगे ये ट्रूली एक एसेट बने, दूर तक चलें, और ये ना हो कि आज एक दिखावे की चीज़ है और कल एक आईसोर हो जाए। तो आशा है हमारे मंत्री जी और प्रशासन जो है इन सुझाव को लेंगे। कई सुझाव दिए। मैंने देखिए, मैं सबका नुमाइंदा हूँ, मुझे कोई भी सुझाव दे सकता है, आम जनता भी दे सकती है, अपने भी दे सकते हैं, विरोधी भी दे सकते हैं। और जिस सुझाव पत्र में कोई वाजिब बात होती है मैं हमेशा उसको मानता भी हूँ। अब हम जो जिम लगा रहे हैं, 24 ओपन जिम लगा कर दे रहे हैं ताकि बच्चे हेल्थ कॉन्शियस बने और गलत रास्तों पे जाने की बजाय वो ठीक रास्ते पर जाकर अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें। अब इससे भी किसी को अगर कोई इतराज़ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।